2017 बैच जो एपीएससी का जो एग्जाम हुआ था इसमें 105 नौकरी था, उसको 27,000 आदमी ने एप्लीकेंट एग्जाम एफर किया, तो उन बच्चा में से एक को भी तो आप दे दो ना, क्यों असम से उठा के दे रहा है ना। सर जैसे कि रिसेंटली एक इशू आया है बाय द एग्रीड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एस्टरन के तरफ से ऑन तिप्रमी मंडोंग रिगार्डिंग टू एसटी सर्टिफिकेट्स, तो सर इसका बारे आपको क्या कहना है कि दो शी इज बिलोंग फ्रॉम असम बट वो अरुणाचल का एसटी यूज करके वो एक ऑफिसर पोस्ट में बैठा हुआ। नहीं, उसका जो इस लड़की का जो एसटी कोटा से वो लोग इसमें एग्रीकल्चर में उसको नौकरी मिला, हमने भी देखा है, लेकिन अच्छा से अभी तक हम जांच पड़ताल नहीं किया। जो भी इशू को हम आप लोग सवाल किया है बोल के कुछ ही मर्जी दे नहीं सकता है, बात अपने सवाल पूछा है तो लॉजिकली और हमारा जो दिल दिमाग में जो सोचता है हम वो बता देगा। देखिए ये इसलिए हमने पहले कहा है कि पेमा कंदू चोनामेन और किरण रिजिजू का नेतृत्व में यही प्रॉब्लम है, पी आर सी इशू में हमारा तीन लोग का जान एक्चुअली नहीं जाना चाहता। वो लोग क्लियरली बोला है कि उधर का नॉन एपीएससी को तो वही है आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली हमारा तीन लोग का बिल्कुल जान नहीं जाना चाहता, तो ये लोग न्यू ईयर गिफ्ट देगा बोल के किया, तो न्यू ईयर गिफ्ट देगा बोल के अनाउंस कर दिया, तो हमारा पूरा सारा आम जनता जो है नाराज हो गया। अरे हमारा यह तो प्रोटेक्टेड एरिया है ना, आईएलपी है, अब उसको ही अब जो है पीआरसी नॉन ट्राइबल को देगा, तो आज दे ही दिया आप लोग का जो देखा है तो ये लड़की को ना, तो अभी क्या करेगा। इसलिए हम तो चाहता है ये पेमा कंदू किरण रिजिजू होगा स्टेट बिल्कुल नहीं सुधरेगा, और यहाँ विपक्ष लोगों में यही अपील करूंगा, अभी आप लोग कह रहे थे हमें क्यों बात नहीं करते ना, अब यहाँ में पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलेगा बीजेपी टिकनी है, उसका बाद पेमा कंदू का घर में जाकर आप ही फाइनल है, हाँ पेमा कंदू आप ही बनना है, विपक्ष लोग ऐसे ही बोलते हैं, एनपीपी बोलो कांग्रेस बोलो पीपीए बोलो सब लैंडिंग ग्राउंड है, सब मिलकर रहता है, पार्टी अलग अलग है लेकिन एक ही शक्ल लोग गोल गोल घूमते रहता है, इसलिए समाज जो खिचड़ी बनता है। इसलिए यही ये जो लड़की जो है हम लोग को बहुत ही एग्जाम्पलरी हम लोग को दिखा दिया कि सच में वो जो पीआरसी दे दिया, तो अभी आम जनता क्या करना चाहे वो आम जनता आप लोग ही तय करो ना, हम अकेला कुछ नहीं कर सकता है। हाँ हम आप लोग फ्रंट पेज में आप लोग काम करो बोलने से हम कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअली ताउपोल, बट आपका 100 आदमी को एक आदमी तो नहीं चला सकता, 100 आदमी में से 70 आदमी जब एक कता होगा तो वो एसटी भी कैंसिल होगा ना, चोनामैन भी हटना पड़ेगा, जब पब्लिक नहीं मान रहा है तो चोनामैन क्यों डिप्यूटी सीएम बनेगा ना, और ऐसे भी उसका ऊपर में इतना एलिगेशन है, उसका बाप 3-4 तो ये बोलता है, हम लोग को मीडिया में देखने को मिलता है, तो सच में ऐसा होता होगा तो मीडिया में आ रहा है तो उसको भी तो डिफामेशन केस भी देना चाहता, नहीं दे पा रहा है, कानून पकड़ने वाला आदमी जो कानून लॉ मेकर आदमी जो है उसका ऊपर में बात नहीं कर पा रहा, देख मैं उसका बाप 3-4 तो होगा या तो असम से होगा ना, इसलिए अभी वो जो असम का बाला को अभी एग्रीकल्चर में ऑफिसर दे रहा, अरे यहाँ में अरुणाचल में देखिए 2017 बैच जो एपीएससी का जो एग्जाम हुआ था इसमें 105 नौकरी था, उसको 27,000 आदमी ने एप्लीकेंट एग्जाम एफर किया, तो उन बच्चा में से एक को भी तो आप दे दो ना, क्यों असम से उठा के दे रहा है ना, बहुत दुख का बात है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये चीज को अगर सिस्टम को चलाना है तो पेमा कंदू कोई कुर्सी से हटा दो, हम तो यही बोले आम जनता नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करके हटा देना, इसमें गवर्नर एसएपी अरुणाचल में 371H ना, एक्चुअली यहाँ कानून में बहुत ही प्रॉब्लम है अरुणाचल में, हमारा लोग को नहीं समझता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ गवर्नर का ही पावर है अरुणाचल में, इसमें किसी का पावर नहीं, इसमें क्लियरली लिखा है कि पूर्ति एमएलए होगा तो बहुत कुछ काम कर सकता है, इसमें चीफ मिनिस्टर का भी जिक्र नहीं किया, इसलिए उसको खुशी मर्जी नहीं करने देने के लिए आम जनता ही अभी राइट टाइम है, हमने अप्रैल महीना बोला है हम कुछ ना कुछ तो सबका सामने में हम पब्लिकली डिसीशन किया जाएगा, इसलिए आप लोग भरोसा करो और ये सब केस को हम लोग एक कथा करके जल्द ही शुरू करेंगे, अप्रैल महीना पार नहीं होगा, हम यही बता रहा आपको, और कुछ सबल है।